300-400 या शायद उससे भी ज़्यादा कम। स्लो बोले तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो आज बात करेंगे कुछ समझदारी की, इससे कंपेयर की जाए तो। घर में पीसी है और यूज़ करते हैं वाईफाई के कुछ ऐसे छोटे डोंगल और स्पीड आती है स्लो। तो आज बात करेंगे कुछ समझदारी की। तो हेलो एवरीवन, मैं हेमंत और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग फॉर इन्फो में। हमारा मोटिव ही है अनबॉक्सिंग भी करना और आपको देना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और आपके पास है एक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और आपके घर में है वाईफाई कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन, लैपटॉप की भी बात करेंगे मगर थोड़ी देर में। तो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने लिया एक असेंबल्ड पर्सनल कंप्यूटर, उसके साथ लिया मैंने कुछ इस तरीके का वाईफाई डोंगल, क्योंकि ज़्यादातर असेंबल्ड कंप्यूटर्स के अंदर हमें इनबिल्ट वाईफाई देखने को नहीं मिलता। अब मेरे घर में है 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन, और मेरा मानना है कि आज भी ज़्यादातर घरों में 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 250 Mbps, 500 Mbps तक के कनेक्शन मौजूद हैं। हाँ, अगर आपके घर में है 500 Mbps से ऊपर का कनेक्शन तो मुबारक हो, आप हैं एक अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट यूज़र। जी हाँ, तो मैं ले आया कुछ ऐसा वाईफाई डोंगल जिससे मुझे मिली 10 Mbps की स्पीड मेरे 100 Mbps के कनेक्शन पे, मतलब सिर्फ 10% स्पीड, 90% लेस। यानी कि पैसे तो दे रहा हूँ 100 Mbps की स्पीड के, मगर यूज़ कर पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 Mbps की स्पीड। बोले तो बहुत नाइंसाफ़ी है। फिर दिमाग लगाया और बना समझदार ग्राहक और झटपट ऑर्डर कर दिया ये। इसमें है फीडस की तरफ से आने वाला कैट 6 का इथरनेट केबल। जी हाँ, कैटेगरी 6 का इथरनेट केबल। तो आइए फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स हमेशा की तरह। देखिए, आपने छोटी सी अनबॉक्सिंग केबल के साथ हमको मिला ये वारंटी कार्ड, जिसमें हम व्हाट्सएप के थ्रू इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर वारंटी। बात कर लेते हैं केबल की थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। केबल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। केबल के साथ आते हैं RJ45 के कनेक्टर्स, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यह केबल सपोर्ट करती है 10 Gbps की स्पीड। अब आप बोलेंगे घर में वाईफाई कनेक्शन होने के बावजूद एक वायर्ड कनेक्शन करना, जी हाँ ये समझदारी ही है। मैं यहाँ लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पीसी की, पर्सनल कंप्यूटर, जो एक ही जगह पर फिक्स रहता है। अगर आपने अपने पीसी को वाईफाई पर चलाया कुछ इस तरीके के या इससे महंगे आने वाले वाईफाई डोंगल से भी, तब भी आपको एज़ कम्पेयर टू वायर्ड कनेक्शन स्पीड काफ़ी कम ही मिलने वाली है। अगर मैं यूज़ कर रहा होता लैपटॉप जिसमें कि इनबिल्ट वाईफाई आता है, तो मुझे ये वाईफाई डोंगल परचेज नहीं करना पड़ता। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी की। बहुत सारी कंपनीज की तरफ से आने वाले पीसी में ऑलरेडी होता है इनबिल्ट वाईफाई, बट जो पीसी हम असेंबल करते हैं मार्केट प्लेस से, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं होता है, और हमें परचेज करना पड़ता है कुछ इस तरीके का वाईफाई डोंगल, जो कि महंगा आता है और इनकी स्पीड भी कंपैरेटिवली कम होती है वायर्ड कनेक्शन के। आप कहेंगे तार तो तार होती है, जी नहीं। अब करते हैं कुछ टेक्निकल बातें। देखिए, मार्केट में काफ़ी तरीके की इथरनेट केबल्स आती हैं, कैटेगरी 5, कैटेगरी 5E, कैटेगरी 6, कैटेगरी 6E, कैटेगरी 7, 7A, 8, और हमारे लिए कौन सी कैटेगरी की केबल लेना सही है, यह डिपेंड करता है हमारे काम पर और हमारे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पर। अब स्कूटी में जेट फ्यूल डाल देने से वो जेट नहीं बन जाती, इसी तरह से स्लो इंटरनेट कनेक्शन में फास्ट इथरनेट केबल लगाने से वह कनेक्शन फास्ट नहीं हो जाएगा। जिस तरह से यह केबल सपोर्ट करती है 10 Gbps की स्पीड, बट मेरे घर में कनेक्शन है 100 Mbps का, तो मुझे मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps ही मिलने वाली है। यह कुछ स्पीड कंपैरिजन्स हैं कैटेगरी केबल्स के।
आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कैटेगरी 5E और कैटेगरी 6 की इथरनेट केबल्स को यूज़ करना घरों में जनरल पर्पस के लिए सही है। इथरनेट केबल बहुत ब्रांड की आती हैं और सब अपने अपने हिसाब से बेस्ट हैं, क्योंकि इथरनेट केबल बनाने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस, इंडस्ट्री गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। तो इन सभी केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में खास ध्यान दिया जाता है क्वालिटी का। तो घर में कंप्यूटर है और एक ही जगह पर फिक्स है, तो ऐसे छोटे डोंगल्स को इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर है, मैं कहूँगा यूज़ करें इथरनेट केबल को। आपके पैसे भी बचेंगे और आपको मिलेगा फास्ट इंटरनेट भी। हम अगर कई जगह हमने देखा है कि वाईफाई रूटर से आपके पीसी तक वायर को ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, उन केसेस में बाजार में अच्छे अच्छे थोड़े महंगे वाईफाई डोंगल्स मिल जाते हैं जिनकी स्पीड कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी होती है चीप डोंगल्स से। बाकी मैं तो यही कहूँगा, घर में पीसी है और रखा है एक फिक्स जगह पर, तो ऐसे छोटे डोंगल्स की जगह आप यूज़ करें इथरनेट केबल को, आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और पैसे भी बचेंगे। जी हाँ, इस फिडस की तरफ से आने वाली इथरनेट केबल को मैंने परचेज़ किया है ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ 270 रुपीस में, और मार्केट में मिलने वाले कुछ ऐसे सस्ते डोंगल आपको 300, 400, 500 रुपए तक मिलेंगे जिनकी स्पीड इस केबल से अगर कंपेयर करते हैं तो 10 गुना कम हो सकती है या शायद उससे भी ज़्यादा कम। तो आशा करता हूँ आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।